हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारे आज का टॉपिक है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शंस एंड एनालिसिस। प्रोडक्शंस बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्शंस को हिंदी में उत्पादन कहते हैं। प्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा रॉ मटेरियल्स को यूज़ उत्पाद में कन्वर्ट किया जाता है। और भी डेफिनेशन है। प्रोडक्शंस एक निर्माण प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल या उत्पादों में बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंतिम रिजल्ट है। इनपुट रॉ मटेरियल कन्वर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटपुट प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल से समझे कि रॉ मटेरियल्स एक प्लास्टिक है ना, जैसे कि ये कंपनी है, मशीन में कच्चा माल आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है और फिर उसका प्रोडक्शन से यानी उत्पादन हो रहा है, कैसे बिक रहा है, प्रोडक्ट बन के धीरे धीरे वो बिक रहा है। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। कंपेरिजन बिटवीन प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रोसेस को, जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में बदलने की प्रोसेस को प्रोडक्शंस कहते हैं। प्रोडक्टिविटी यह कार्य करने की क्षमता की प्रोसेस होती है जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्शंस यह वस्तु के निर्माण का कारण है, इसमें प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। यह विभिन्न वस्तुओं को प्रोड्यूस करने का एक माप है, यह कैपेसिटी का माप करता है। प्रोडक्शंस के निर्माण के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर, मैकेनरी ईटीसी। प्रोडक्टिविटी अगर आपको यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर लेबर और मशीन के ऊपर डिपेंड रहना होगा। प्रोडक्शंस कार्य करने की मात्रा होती हैं। प्रोडक्शन जो होता है वो कार्य करने की मात्रा होती हैं। प्रोडक्टिविटी एक निश्चित लागत में कम करने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं।